तो मैंने अभी तक 1,55,000 डॉलर से भी ज़्यादा इस वेबसाइट से कमाया। सर हम नहीं मानते, हमको दिखाइए आप स्क्रीन पे। अभी हम आपको लाइव प्रूफ भी दिखा देंगे। सर को चैनल पर लाने का रीज़न यही है कि सर ने एक सिर्फ छोटी सी एक वेबसाइट से, मतलब 10,000 रुपये नहीं, 1,00,000 रुपये नहीं, बल्कि 1,00,00,000 रुपये से भी ज़्यादा कमाए हैं सिर्फ एक छोटी सी वेबसाइट से, और वो भी बिना किसी एफर्ट के, मतलब हल्का सा एफर्ट लगाए। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताएंगे कि कैसे सर ने अचीव किया और वो आज की डेट में कैसे वर्किंग है और कैसे आप लोग उससे पैसे बना सकते हो, और वो एक तरीके से आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, या फिर आप एक बेरोजगार हो, मतलब आप लोगों के लिए पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। और कैसे उसको करना है वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सतीश जी, आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी इन्वाइटेड अगेन। लोनावाला का दोस्तों ये बहुत ही सुहाना मौसम है और ये पार्टी टाइम है, लेकिन सतीश जी का कमिटमेंट है कि वो अपने यूट्यूब की फैमिली के लिए कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, और मैंने उनको वाइसेंस के बारे में बताया हुआ था पहले, तो उन्होंने कहा कि चलो आज वाइसेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। बेसिकली ये वाइसेंस एक ऐसी वेबसाइट है जहां से सर ने 1,00,00,000 रुपए से ज्यादा कमाए हैं। तो सर एक बात बताइए, जैसे हमने इंटरनेट पर जब भी हम कुछ सर्च करते हैं कि लाइक ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, तो ब्लॉगिंग आता है, यूट्यूब आता है, ई कॉमर्स आता है, और भी बहुत तरह तरह की चीजें आती है, साथ ही साथ सर्वे साइट्स आती है, PTC साइट्स आती है, तो बहुत सारे सर्वे साइट्स फेक होती है। तो आपने जो वाइसेंस से पैसे कमाए, सर आपको कैसे पता लगा कि यार वाइसेंस बहुत ही जेन्युइन साइट है और यहाँ से पैसे बनाए जा सकते हैं? एक्चुअली मैं, जैसा बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि मैं एक्चुअली बहुत सालों से इन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, मेक मनी के तो सारे आइडियाज़ एक्चुअली मुझे मालूम है, तो मैंने बहुत अलग अलग वेबसाइट्स पे काम किया है। तो वेबसाइट पे जब हम काम करते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे काम करते हैं, तो कौन सी वेबसाइट एक्चुअली वर्क कर रही है तो आप उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लेते हो बेसिकली। मैंने रिसर्च तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे किया, लेकिन उनमें से वाइसेंस एक ऐसी वेबसाइट थी जो कि बहुत ही, जिसका ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, और अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका और किस तरह से आप लोग भी इससे अच्छा खासा कमा सकते हो। बेसिकली ये जो सर्वेज का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने शायद अगर डिफरेंट सर्वे साइट्स ज्वाइन किए होंगे, तो हो सकता है कि इंडियंस के लिए बहुत सारी सर्वे की कंपनीज काम नहीं करती हो, फेक होती होगी, लेकिन वाइसेंस एक्चुअल लेजिट कंपनी है जिसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इंडियंस के लिए भी। लेकिन हम यहाँ पर, जैसे सतीश जी ने बताया कि मैंने 1,00,00,000 रुपये से ज़्यादा कमाया इसमें, तो हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिस पर मैंने एक्चुअल में काम किया है, क्योंकि मैंने कभी सर्वेज और ये उतने ज़्यादा कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन मैंने उसका एक रेफरल प्रोग्राम है, उस रेफरल प्रोग्राम को मैंने प्रमोट करके काफ़ी अच्छा सा अर्निंग किया है उसके अंदर। काफ़ी अच्छा, मतलब सर एक बार आप खुलासा कर ही दीजिए कि आपने कितना टोटल इनकम वहाँ से अभी तक किया है। बताने से पहले मैं चाहूँगा कि गाइस लाइक हो जाए, क्योंकि खुलासा होने वाला है, तबड़तोड़ लाइक करो, कम से कम 10,000 लाइक्स तो होने चाहिए। और जो लोग पहली बार आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर फ्री में आपको खतरनाक वैल्यू मिलता है। सर अब खुलासा करिए। तो मैंने अभी तक 1,55,000 डॉलर से भी ज़्यादा इस वेबसाइट से कमाया। सर हम नहीं मानते, हमको दिखाइए आप स्क्रीन पे। अभी हम आपको लाइव प्रूफ भी दिखा देंगे। बिल्कुल, तो आपको स्क्रीन पर आपको देखने मिल जाएगा कि सर ने कैसे एक इस छोटी सी वेबसाइट से 1,55,000 डॉलर कमाए। सर इतना तो मेरे पूरे यूट्यूब का, मतलब करियर का इतना इनकम नहीं है सर। और सच बताऊँ तो इसमें मैंने सबसे कम काम इसी वेबसाइट पर किया है। ऑलमोस्ट कितने घंटे? ऑलमोस्ट मैं अगर सच बताऊं तो, जैसे मैंने 155K की बात कर रहा हूं, तो 155 आवर्स भी मैंने अभी तक स्पेंड नहीं किया है। क्या बात है। तो सर जनता का भी सवाल है और मेरा भी ये सवाल है कि आपने इतना कम एफर्ट डाल के और 1,55,000 डॉलर आपने कैसे बना लिए? आपने बोला कि आपने 155 घंटे भी काम नहीं किए, सर ये कैसे पॉसिबल है? चलो तो उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि वाइसेंस पे एक तो हम सर्वेस कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके एज ए वर्कर हम कुछ टास्क वास कंप्लीट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और वहाँ से कमा सकते हैं, तो ये एक तो एक तरीका है। लेकिन मैं इस तरीके पे काम नहीं करता बेसिकली, मैं इसके रेफरल प्रोग्राम पे, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है रेफरल प्रोग्राम, रिकरिंग प्रोग्राम, रेफरल प्रोग्राम, रिकरिंग प्रोग्राम, इसको बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग जैसा भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं है, तो इसका रेफरल प्रोग्राम है, उस रेफरल प्रोग्राम को एक्चुअली मैंने प्रमोट किया। बेसिकली ये आप एफिलिएट मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, या अगर और अच्छे टर्म में मैं बोलना चाहूँ तो इसको CPA एफिलिएट प्रोग्राम बोल सकते हैं। ग्रेट। हाँ, CPA मतलब कॉस्ट पर एक्शन। बट सर एक सवाल आता है कि जैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लिया, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के लिए हमें कुछ पैसे लगते हैं, तो क्या वाइसेंस पे ज्वाइन करने के पैसे लगते हैं? वाइसेंस टोटली फ्री है, बिल्कुल फ्री है गाइस। इसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, थोड़ा मेरे को भी कमाओ यार ज्वाइन करो।
तो कंटिन्यू करिए सर। तो वाइसेंस एक्चुअली एब्सोल्युटली फ्री है ज्वाइन करने के लिए, और ज्वाइन करने के बाद जैसे मैंने बताया कि आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन इसका एक जब आप लॉगिन करते हैं तो इसके अंदर आपको एक रेफरल लिंक भी दिया जाता है। वो रेफरल लिंक एफिलिएट लिंक से आप मतलब जब भी प्रमोट करते हो इसके एफिलिएट प्रोग्राम को, तो आपको एक अलग टाइप का एक्चुअली अर्निंग कॉन्सेप्ट है इसका, अर्निंग जो रेफरल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताता हूँ आपको। कि जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हो तो वो भी जाहिर सी बात है कि वो भी फ्री में ज्वाइन करेगा, और वो भी एक्चुअली सर्विस कंप्लीट करके कुछ ना कुछ अर्निंग करेगा अपनी, राइट। तो जितने भी लोगों को आप रेफर करते हो इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली जो इनकम आती है, पहली इनकम जो आती है वो है रेफरल की। मतलब कि अगर आप किसी को आपने 10 लोगों को रेफर किया, तो 10 लोगों को रेफर किया तो इंडिया का अगर बंदा है, या अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर टीयर टू कंट्री वाला बंदा है, तो इंडिया पाकिस्तान जो भी है, तो टीयर टू वाली कंट्री से आपको 10 सेंट्स मिलता है। और अगर टीयर वन कंट्री वाला है, वहाँ पर अगर वाइसेंस के एक्चुअली सपोर्ट पेज पे, हेल्प पेज पे जाएंगे आप, तो वहाँ पर उसका बताएगा टीयर वन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ को का कोई अगर पर्सन ज्वाइन करता है तो आपको 30 सेंट्स मिलता है, ठीक है। इंडियन रुपीज़ में आप कैलकुलेट कर सकते हो 10 सेंट और 30 सेंट्स कितना होता है। तो ये पहला अर्निंग है। उसके बाद जैसे वो कोई भी बंदा ज्वाइन करेगा तो जाहिर सी बात है वो भी सर्वे कंप्लीट करेगा और टास्क कंप्लीट करेगा, वीडियो देखेगा, तो वहाँ पर बहुत सारे मेथड है एक्चुअली अर्निंग करने के लिए। तो जब वो अर्निंग करते हैं, राइट, तो हर अर्निंग हर बंदा जो भी आपके नीचे है जब ज्वाइन करता है, तो उसमें आपको जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको 20% उसकी अर्निंग का मिलता है। मतलब वो जितना कमाएगा उसका 20% आपको मिलेगा। मान लीजिए जैसे 10 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया है ना, उन्होंने एक महीने में $10-10 कमाया सब लोगों ने, ठीक है। तो $10 का 20% कितना होता है, 20% मतलब $2-2 तो 10 लोगों का $2 मतलब $20 आपको उस महीने का मिलेगा बिना कुछ किए। आपको कुछ नहीं करने का, आपने लॉगिन नहीं किया, आपने पूरे महीने अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं किया, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गॉट इट, राइट। तो जितने लोगों को आप ज्वाइन करवाएंगे उतने लोग जितना काम करेंगे उसका 20%। लेकिन जैसे ही आपकी टोटल रेफरल 100 के ऊपर हो जाते हैं, तो ये जो 20% है वो 30% में कन्वर्ट हो जाता है आपको। 30% यूजर्स हो जाते हैं तो 1,00,000 नहीं 100 अगर रेफरल आपने 100 आपके अंडर में आ जाते हैं, सिर्फ 100 100 रेफरल के बाद आपका जो रेफरल अर्निंग है वो 30% आ जाता है। मतलब अगर 100 लोगों ने आपके नीचे में काम करे और एवरेज $5 भी कमा रहे हो महीने का, एवरेज $5 भी कमा रहे हैं, तो $5 का 30% $150 आपको मिल जाएगा बैठे बैठे, राइट। क्या बात है। तो इस तरीके से आप रेफरल अर्निंग भी करते हैं। उसके बाद और एक और अर्निंग है, वो है जब कोई भी रेफरल आपका $5 कंप्लीट कर देता है, तो हर एक रेफरल से आपको $2 एक्स्ट्रा बोनस मिलता अलग से। हाँ, क्या बात है। और उसमें भी एक और है कि अगर 200 से ज्यादा भी रेफरल हो जाते हैं, अभी एक्चुअली आइडिया नहीं है मुझे, देखा नहीं मैंने लेटेस्ट में क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें 5% एडिशनल बोनस और मिलता है आपको। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वाइसेंस के अंदर, और बहुत अच्छे से कर सकते हो इसका रेफरल प्रोग्राम से भी आप अर्निंग। तो ये तो सर आपने बता दिया कि लाइक मेथड्स क्या हैं, कैसे वाइसेंस काम करता है, कैसे रेफरल इसका काम करता है। जनता जानना चाहती है कि सर आपने क्या तरीका अपनाया था और कैसे आपने इतना पैसे बनाया था, मतलब एग्जैक्टली आपने क्या प्रोसेस अपनाया था। हाँ, एक्चुअली जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैं तो एफिलिएट मार्केटिंग में काफ़ी सालों से हूँ, और एफिलिएट ऑलमोस्ट 15 सालों से। हाँ, एफिलिएट प्रोग्राम प्रमोट करना मेरा काम है एक्चुअली, और मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स भी हैं। तो मैंने क्या किया एक्चुअली कि जो मेरे ब्लॉग्स हैं वहाँ से वाइसेंस को प्रमोट किया। तो जिन जिन पोस्ट पे एक्चुअली मेक मनी से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखा है, तो वहाँ पर मैंने वाइसेंस का एक्चुअली ये रेफरल लिंक मैंने वहाँ पर ऐड किया हुआ है, और अलग से मैंने वाइसेंस का रिव्यू भी लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी वो रिव्यू पे पेज पे भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता है, और उस थोड़े बहुत ट्रैफिक से एक्चुअली काफ़ी अच्छे रेफरल आ जाते हैं मेरे आज तक। अभी तक मैं वाइसेंस में मैं अगर लॉगिन करूँगा तो आप मेरे टोटल डायरेक्ट जो एक्टिव रेफरल है वो ज़्यादा 700 से 800 से ज़्यादा अभी मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उसमें मैंने काफ़ी अच्छा कमाया है। तो एक चीज़ बताइए, कितने पीरियड में आपने $1,55,000 कमाया? ये बेसिकली मैंने पाँच साल के करीब हो गया एक्चुअली, 5 साल के करीब। लेकिन मैंने काम मैं ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो मुझे यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले, 6 साल हो गए हैं। हाँ, और 6 साल में मैंने $1,55,000 नहीं बनाए होंगे यूट्यूब से, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ।
तो ये देखिए वाइसेंस भी आपके लिए मतलब यूट्यूब के मुकाबले आपके लिए वाइसेंस भी बहुत अच्छा तो प्रोग्राम गाइस, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इस छोटी सी वेबसाइट में कितना पोटेंशियल, और इसके बारे में किसी ने ज्यादा वीडियोस मैंने नहीं देखे इसके ऊपर, आपका ही एक वीडियो आया था वाइसेंस के ऊपर, तभी मैंने आपको बोला था सर एक केस स्टडी हमारे चैनल पे होना चाहिए। और गाइस इस चीज के लिए तो लाइक बनता है यार, आप लोग पता नहीं लाइक में कंजूसी क्यों करते हो, जब मैं वैल्यू में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग लाइक करो यार, दबा के लाइक करो, लाइक तो करिए गए, साथ में डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन करो जो एफिलिएट लिंक है उस लिंक को ज्वाइन करके आप इसको, धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा गाइस कि होता है कि जितने भी लोग आप में से जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो, आप लोग हो सकता है कि कोई हाउसवाइफ हो, कोई जॉब कर रहा हो, कोई बेरोजगार हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ करना चाहते हो, लाइक क्रिएटर बनना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ब्लॉग पे, तो ये तरीका आप अपना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप सर्वे फिल करो, ऐप डाउनलोड करो या फिर वीडियोस देख के आप वहां से पैसे मतलब लाइसेंस से कमाओ, आप रेफर करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और इसमें सामने वाले का कुछ जा नहीं रहा है, उसको भी सिंपली उसको बता सकते हो कि इसमें क्या करने से पैसे कमाते हैं। तो सर का एक जो ब्लॉग है मनी कनेक्शन करके, तो उन्होंने सर ने जैसे ब्लॉग में अपने प्रमोट किया था, फिर इन्होंने बहुत बाद में अराउंड लास्ट ईयर इन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाया था, तो वहां से मुझे नहीं लगता वहां से इनको इंडियन ट्रैफिक ही मिला होगा, बट इनके ब्लॉग से यूएस का भी ट्रैफिक मिलता है। तो यूएस जैसे सर ने बताया कि टायर वन कंट्रीज से ज्यादा आपको रेफरल मिलता है, तो वो चीज ध्यान में रख के आप आर्टिकल बनाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे यार मेरे को मैं किसको रेफर करूंगा, ऐसा नहीं है, आप लोग ढूंढोगे मिल जाएंगे, तरीके आपको ढूंढने हैं, सोचने हैं कि कैसे आप रेफर करोगे। बट मैं सर से भी पूछना चाहूंगा कि सर ये जो लोग देख रहे हैं ये लोग कैसे पैसे कमाएंगे, आपने तो $155,000 कमा लिया और कमा भी रहे हैं हर महीने। जी हाँ, देखिए वाइसेंस का जो एफिलिएट प्रोग्राम है तो इससे अर्निंग करना एज कम्पेयर टू अदर एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। वो कैसे मैं बताता हूँ आपको कि वाइसेंस जो है ये है मास अपील करने वाला एफिलिएट प्रोग्राम है बेसिकली। लाइक जैसे एफिलिएट प्रोग्राम बहुत सारे रहते होंगे तो, लेकिन उनकी जो ऑडियंस होती है वो टारगेटेड ऑडियंस होती है, एक निश ट्रैफिक चाहिए रहता है उनको कि हाँ ये पर्टिकुलर लोग ही इस पर्टिकुलर एफिलिएट प्रोग्राम के लिए जाएंगे। लेकिन वाइसेंस का जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो मास अपील करने वाला, मतलब हर बंदा ज्वाइन कर, बंदे को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब अगर आप किसी भी बंदे को इसको इसके बारे में बताओगे कि वाइसेंस देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको जानना है कि वाइसेंस से कैसे कमाते हैं, आपको एक खुद कन्विंस होना है सबसे पहले कि वाइसेंस में कैसे कैसे अर्निंग होता है। इसके लिए आप भी क्या करो कि वाइसेंस ज्वाइन करो, उसमें थोड़ी बहुत सर्वेस करो, कंप्लीट करो, वहाँ पर टास्क होते हैं कंप्लीट करो, वीडियोस देखो, जितने भी जो भी टास्क वहाँ पर होते हैं कंप्लीट करो, अर्निंग करो, पहला आप अर्निंग वहाँ से निकालो, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर क्या करो आप वाइसेंस के एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करो। प्रमोट करने के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं कि आप कितने लोगों को जानते हो, हर बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी बंदे हैं उनको अगर आप कन्विंसिंगली एक्चुअली व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजोगे, आपके जो ग्रुप्स होंगे वहाँ पर मैसेज भेजोगे, आपके जो सोशल जैसे फेसबुक है इंस्टाग्राम पे वहाँ पर समाज से प्रमोट कर सकते हो आप। यही नहीं, अगर आप थोड़े से बड़े लेवल में इसको प्रमोट करना चाहते हो तो बहुत सारे और भी मेथड्स है, जैसे आप कोई वेबसाइट बना सकते हो, एक पर्टिकुलर वेबसाइट ऐसा बना सकते हो जो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड हो, या कोई मेक मनी आइडिया कॉन्सेप्ट, माइक्रोनिश कोई एक छोटी सी वेबसाइट बना सकते हो 4-5 पेजेस वाली, जैसे वो वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम जॉब्स, मेक मनी आइडियाज, ऑनलाइन जॉब, इनके बारे में आपने लिखा हो, कोई एक कीवर्ड भी रैंक कर जाता है ना तो आपको अच्छे खासे रेफरल्स मिल जाते हैं। और अगर आप वेबसाइट भी नहीं बनाना चाहते तो मीडियम पे आप इसको प्रमोट करो, एक फ्री पेज बना सकते हो मीडियम पे भी, आप वेबसाइट बना के इसको अच्छा खासा प्रमोट कर सकते हो, मतलब ऐसे मीडियम या फिर कोरा जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल। यही नहीं, आप ये यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो जैसे हम लोग बना रहे हैं, हाँ जैसे ये भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप भी एक वीडियो बना सकते हो, एक चैनल क्रिएट करो जिसमें मेक मनी आइडियाज के बारे में बताओ। आप फेस के साथ बना सकते हो या विदाउट फेस भी, आप इसमें से बहुत सारे टूल्स आते हैं, विदाउट फेस आपने वाइसेंस के बारे में लिख दिया, कुछ इधर उधर के मेथड्स उठा लिए और डाल दिया वीडियो, अगर अच्छे खासे व्यू मिले तो काफ़ी सारे आपको रेफरल मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब इसमें जो मुझे सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट ये लगा कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको रेफर किया और आपने जब रेफर किया तो आपके कमाई से भी मेरे को फायदा हो रहा है। यस यस, और वो लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट या फिर मैं लेजिट तरीके ही अपने चैनल पे बताता हूँ, साथ ही साथ प्रूवन तरीके। मेरे को एक चीज बताया सर, इसमें हमारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स कितना लगेगा, मतलब ऐसा ना हो कि इंसान इसमें डूब जाए और आए चवन नहीं, तो कुछ बताइए कि कम से कम एफर्ट में ज्यादा कैसे बनाएगा। देखो अगर आप अगर जब ज्वाइन करते हो तो पहले तो आप अपना पहला चेक निकालो, क्योंकि वाइसेंस $5 में भी आपको कैश आउट दे जाता है, तो आप पहले अच्छा सिर्फ $5 में पे आउट हो जाता है। हाँ, $5 में कैश आउट देता है, तो
आप अपना पहला पहला अर्निंग निकालो ताकि आप प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करो। उसके बाद बहुत कम एफर्ट्स के अंदर भी आप, जैसे मैंने बताया जो जो मेथड्स है प्रमोट करने के, वहाँ से प्रमोट करना चालू कर दो और आप हंड्रेड भी अगर एक्टिव रेफरल्स होंगे ना आपके, तो आप कम से कम $200 से $300 तो आराम से महीने का कमा सकते हो। और इस चीज़ को ऐसा नहीं कि आप फुल टाइम बना के चलो, आप जैसे हमने बताया कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए, पार्ट टाइम इनकम के लिए आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो, और एक तरीके से पूरा पैसिव इनकम है। जैसे सर ने पैसिवली $155,000 बनाया, तो मैं नहीं बोलता कि आप भी उतना बना लोगे, बट जैसे बता रहे सर $100-$200 आप इजिली बना सकते हो अगर आप ये तरीके अपनाते हो तो। एक घंटा अगर आप इसको देंगे तो भी आप काफ़ी अच्छा सा प्रमोट करने के लिए, वैसे काम करने के लिए तो हार्डली 15-20 मिनट लगता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा के 30 मिनट उसमें प्रमोट करने के लिए लगाएंगे तो रोज़ अगर आप 2 रेफरल भी लेके आएंगे तो महीने भर के तो 60 रेफरल हो गए आपके। अमेजिंग। तो सर ऑलमोस्ट हमने सारी बातें कर ली, अब जनता के अंदर भी थोड़ी से चनूने काट रही होगी कि भाई थोड़ा बताओ, दिखाओ हमें डैशबोर्ड की यार कितना सच में बनाया कि ऐसे ही बस हवा हवाई बातें हो रही है। वैसे इस चैनल पर हवा हवाई बातें बिल्कुल भी नहीं होती है, तो सर आप खुलासा करेंगे कि कैसे इन्होंने एक सिर्फ छोटी सी वेबसाइट से $155,000 यानी कि इंडियन रुपीस में 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कैसे बनाए। सर प्लीज़ दिखाइए, सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, दिखा दीजिए सर। ठीक है, अभी आपने बोला है तो ज़रूर दिखाना ही पड़ेगा अभी तो मैं अपना लैपटॉप है यहाँ पर, अभी अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, अकाउंट वाईफाई है उसमें, लॉग इन करता हूँ। लाइक कर दो गाइस, मैं लॉग इन करता हूँ, ये मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ये मेरा यूजर आईडी पासवर्ड है, मेरे को भी थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए लाइफ टाइम टोटल अर्निंग यहाँ पर $152,000 है, अभी अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर $617 बता रहा है, और इसमें से विड्रॉ कितना हो गया सर? विड्रॉ ऑलमोस्ट $152,000 के करीब, अभी मैं चवन्नी भी नहीं छोड़ा उसमें। यहाँ पर मैं वापस से रीलोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि रियल है। हाँ, रियल है फिर, और मैं भी वेरीफाई करूंगा, ऐसा नहीं है। अच्छा सर मैं एक चीज बता दे, लास्ट मंथ में आपका कितना बना रहेगा वाइसेंस से? एक्चुअली मेरा हर महीने $500 के प्लस बनता है इसमें। okay. हाँ, क्योंकि एक्चुअली अभी मैंने उतना प्रमोट नहीं कर रहा जितना पहले करता था, तभी फिर भी ये देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस 500 आ रहा है बिना कुछ किए। तो चलो देखते हैं कि मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मैं जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्रॉल बताता हूँ, लास्ट 30 डेज़ का, लास्ट 60 डेज़ का मैं बता देता हूँ। ये देखो मैं 3 बार एक्चुअली विड्रॉ किया हुआ है लास्ट 60 डेज़ में, और अभी तक 650 के करीब कुछ बैलेंस भी बाकी है, तो $500 के करीब एक्चुअली हर महीने के मतलब 500 के आसपास बनते हैं। राइट। तो बिना नीम फिटकरी का बन रहा है भाई, कुछ करना है नहीं, 500-700 आ रहे हैं, क्या चाहिए। तो फिलहाल मैंने तो बोला था सर आप बस दिखा दो कि टोटल आपने कितना बनाया, लेकिन सर ने थोड़ा और डिटेल दे दिया। तो सर इतनी ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको धन्यवाद मैं देना चाहूंगा, और साथ ही साथ ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि यार इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और साथ ही साथ कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो से कितना मोटिवेशन मिला, क्योंकि यार एक छोटी सी चीज से भी आप बहुत बड़ा आप कर सकते हो। बोला जाता है ना कि आप छोटा छोटा मतलब एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसा सर ने बूंद बूंद से ऐसा करोड़ कमा लिया। और सर को मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि इतने डिटेल से सर ने समझाया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में बिंदास पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और सर अभी अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव भी हो गए हैं, को नीचे लिंक मिल जाएगा तो वहां पर क्लिक करिए और सर को भी देखिए। सर काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और ऐसे ही जैसे हम मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, हालांकि सर हमारे कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सर को भी फॉलो करो। और मैं चाहूँगा सर जाते जाते मेरी ऑडियंस को आप अगर कुछ बोलना चाहें। आप बोलने के लिए बस इतना ही है कि एक्चुअली अगर आपको कुछ भी करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो जैसे सतीश जी काफ़ी सारे मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी सारे इंस्पायरिंग लोगों को लेके आते हैं, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि उन सभी में एक्चुअली कुछ ना कुछ स्किल होती है, इसकी वजह से वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। तो आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप एक कम से कम स्किल ऐसे डेवलप करो कि आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, और फिर देखो आप कितना मचाते रहोगे। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों वाइसेंस का मैं नीचे अपना अफिलिएट लिंक डाल दूंगा, जिससे अगर आप साइन अप करोगे तो मुझे भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, तो क्यों ना हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि मैं तो फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ फुल वैल्यू देने में बिलीव रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो से जरा भी वैल्यू मिला होगा तो कंजूसी मत करना बिल्कुल भी, आप साइन अप करो और आप भी ऐसे पार्ट टाइम में अच्छे खासे पैसे बना सकते हो।
तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।